अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर रविवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों की मैं आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अपने इस खास बुलेटिन में हम दिन भर की खबरें समेट कर लाते हैं देश भर के राज्यों से जो अहम खबरें होती हैं, तो बताएंगे किस राज्य में किस खबर का रहा अहम। और लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का केंद्र सरकार ने किया ऐलान। इसी दिन 1975 में देश में लागू किया गया था आपातकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस की देन था भारतीय इतिहास का ये काला दौर। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने विविध क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने पर भी की चर्चा। प्रधानमंत्री ने आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को पूर्ण समर्थन किया व्यक्त। दिल्ली के कथित आबकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका, बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में है केजरीवाल। दिल्ली में बिजली बिलों की बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। जनता से लूट के खिलाफ दिल्ली सचिवालय पर किया प्रदर्शन। भाजपा ने की सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कांग्रेस नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा ने मैसूर में हुए कथित जमीन घोटाले को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र की बड़ी मुश्किलें। वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में ईडी ने लिया हिरासत में। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बड़ा झटका। विश्वास मत हारे प्रधानमंत्री प्रचंड, 19 महीने सत्ता में रहने के बाद छोड़ना पड़ा पद। और अभी अभी आ रही है बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधान परिषद में एनडीए की बड़ी जीत। एनसीपी के दोनों उम्मीदवार चुनाव जीते। अजीत पवार गुट के दोनों प्रत्याशियों को मिली जीत। तो एनसीपी के दोनों उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं और ये जो खबर है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अजीत पवार गुट के दोनों प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है, तो एक तरह से बड़ी जीत कहा जा सकता है। महाराष्ट्र विधान परिषद में एनडीए की एक बड़ी जीत। महाराष्ट्र विधानसभा विधान परिषद में सभी की नजरें इसमें लगी थी। एनसीपी के दोनों उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। अजीत पवार गुट के दोनों प्रत्याशियों को जीत मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है महाराष्ट्र विधान परिषद से, जहां पर एनडीए को बड़ी जीत हासिल हुई है। एनसीपी के दोनों उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। सभी की निगाहें इस चुनाव पर लगी हुई थी, काफ़ी अहम ये चुनाव माना जा रहा था। अजीत पवार गुट के दोनों प्रत्याशियों को इसमें जीत मिली है, तो ये चुनाव के नतीजे जो हैं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। एनडीए की बड़ी जीत हुई है महाराष्ट्र विधान परिषद में। एनसीपी के दोनों उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं, तो महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव नतीजे आ गए हैं। अजित पवार गुट के दोनों प्रत्याशियों को इस चुनाव में जीत मिली है, एनडीए की बड़ी जीत महाराष्ट्र विधान परिषद में। तो काफी अहम ये जीत हो जाते हैं, कई
मायने इस जीत के। और अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और आदिवासियों की घटती आबादी का मामला गहराता जा रहा है। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने भी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। न्यायालय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढकर देश से बाहर निकालने का राज्य सरकार को सख्त आदेश जारी किया है। देखिए झारखंड के रांची से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट। अवैध रूप से घुसने वाले बांग्लादेशियों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि सांताल परगना के जिलों में बांग्लादेश की प्रतिबंध संगठन झारखंड की आदिवासी लड़कियों को शादी करके उनका धर्मांतरण करा रहे हैं, इसे रोका जाना अनिवार्य है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लगातार गहराता जा रहा है। भाजपा घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए राज्य सरकार को घेर रही है और राज्य की इंडी गठबंधन सरकार पर आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार और प्रशासन के लचर रवैये की वजह से झारखंड में लगातार घुसपैठ बढ़ा है और संथाल परगना जैसे क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या में गिरावट आई है। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। न्यायालय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढकर देश से बाहर निकालने का सख्त आदेश जारी किया है। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के बढ़ते मामले और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरे के मद्देनजर कोर्ट ने ये सख्ती दिखाई है। मैंने कोर्ट के समक्ष अवैध मदरसों की सूची बांग्लादेशियों की बढ़ती आबादी का प्रूफ सहित झारखंड सरकार के आंतरिक रिपोर्ट की कॉपी मैंने झारखंड सरकार झारखंड न्यायालय को सौंपी है, जिसमें घुसपैठी बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य के सभी जिला अधिकारियों को दिए गए थे। झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि विदेशी घुसपैठ किसी राज्य का नहीं बल्कि देश का मुद्दा है। विदेशी घुसपैठियों का भारत में प्रवेश हर हाल में रोकना होगा। उच्च न्यायालय ने राज्य की सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द देश से बाहर निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। खंडपीठ ने संबंधित जिलों के डीसी को 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है। वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति करने के कारण इस आदिवासी जनजातीय बहुल प्रदेश में आदिवासियों की अस्मिता खतरे में आ गई है। इस तरह से संथाल परगना सहित कोल्हान और पूरे झारखंड में लैंड जिहाद लव जिहाद को प्रश्रय दिया जा रहा है, उसकी एक वानगी हम लोगों ने गोपीनाथपुर में देखा और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि भाई संथाल परगना में स्थितियां बदतर हो चुकी है। झूठ बोल करके फूट पैदा करना और शासन करना, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। धर्म के नाम पर तुष्टिकरण करने वाले लोग ये अब नकारने जा रही है झारखंड की जनता और एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रही है 2024 के विधानसभा के चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने घुसपैठ को गहरी साजिश बताते हुए कहा है कि संथाल परगना जैसे क्षेत्र में लैंड जिहाद के जरिए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया गया है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के बढ़ते मामलों और आदिवासियों की घटती आबादी पर चिंता जताई है। मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी किया है, न्यायालय पर हमारी आस्था है, जैसे आज ही हम कोर्ट से बरी हुए हैं, तो मुझे लगता है कि NRC लागू जल्दी से जल्दी संथाल परगना में होगा। जब हमारी सरकार बनेगी तो उन सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को या मुसलमानों ने जो आदिवासियों की जमीन, क्योंकि ये SPT एक्ट है, आदिवासी की जमीन को आदिवासी रख सकता है, मुसलमान कैसे रख सकता है? शादी कर लिया तो वो मुसलमान की जमीन नहीं हो सकती, वो आदिवासी जमीन है। हमने जो आधार कार्ड में लोगों का नाम जोड़ते हैं, मैं उन लोगों से पूछ रहा था कि भाई आप कैसे जोड़ते हैं, बोला कि नहीं वो विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, इन लोगों के रिकमेंडेशन से। हम बोले वो रिकमेंडेशन सब रहेगा, बोला क्या सब है नेट में, आपको मिलेगा सब। तो जितना इस बीच में हमने वर्क करके कोशिश किया है कि भाई इसको पहचाना जा सकता है कि नहीं, बोला कि बिल्कुल पहचाना जा सकता है। जानकार बताते हैं कि झारखंड के कई इलाकों में खास तौर पर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत मिलती रही है। BJP के आक्रामक तेवर को देखते हुए लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ, लैंड जिहाद और NRC एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है।
इस पूरे मामले पर बीजेपी लगातार सोरेन सरकार पर हमलावर है और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और अब लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सोना सिर्फ कहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। वो मिस्टर विकास की फाइल, आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डाले। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के आखिरी दिन आज शहरी नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 सदन में पेश किया। हालांकि इस बिल को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। आइए देखते हैं शिशिर सैलार की मुंबई से ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा में महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य शहरी नक्सलवाद के प्रसार को रोकना है। नक्सलियों के सशस्त्र कैडर को तार्किक समर्थन और शरण देने वाले तत्वों पर लगाम लगाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। यह कानून बन जाने से शहरी क्षेत्रों में नक्सल समर्थक तत्वों पर और शिकंजा कसेगा। दरअसल नक्सलियों से जब्त साहित्य में महाराष्ट्र के शहरों में उनके नेटवर्क के सुरक्षित ठिकाने का पता चलता है। सरकार की मंशा संवैधानिक जनादेश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की विचारधारा को पनपने से रोकना है। उधर इस विधेयक को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने विधेयक को विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया। चर्चा न करते हुए बिल पीछे लेने की मांग हमने स्पीकर से की है। बिल के माध्यम से विरोधियों का आवाज दबाना चाहते हैं। एनजीओ अगर कोई फ्रीडम के लिए सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में काम करेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जो बिल में प्रावधान किया गया है वो आम लोगों को उनके हक से दूर रखने के लिए, आम लोगों को परेशानी बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ कोई आवाज ही ना उठाए, ये उसके पीछे की मंशा इस बिल में दिखती है। वहीं राज्य की शिंदे सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र में नक्सली समस्या से निपटने के लिए यह कानून लाया गया है। नक्सली दूर दराज इलाके में अपना आतंक फैलाते हैं, लेकिन उनके आका शहरों में बैठकर उनको ताकत प्रदान करते हैं। इसलिए इस कानून के जरिए नक्सलवाद और खास तौर पर शहरी नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का यह प्रयास होगा। क्या वो नक्सलवादी अपने जबान पे काम करते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं? वैसे नहीं होता है। वो गोली चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, हथियार चलाते हैं, मगर उनको हथियार चलाने के लिए, गोलियां चलाने के लिए कोई उनको सपोर्ट करते रहते हैं। जो शहरी भाग में रहते हैं, जो अर्बन इलाके में रहते हैं, उनका और उनका संबंध रहता है और उनके संबंध के माध्यम से वो लोग उनको ये गुनाह करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो ये अर्बन नक्सलवादी है तो उनसे ज़्यादा गुनहगार है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कानून लाया। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने पहले ही जन सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया है और 48 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
विधेयक में कहा गया है कि महाराष्ट्र में भी ऐसे संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए यह कानून महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। महाराष्ट्र विधानमंडल का हालांकि मौजूदा सरकार का ये आखिरी सत्र है और इस आखिरी सत्र में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, मसलन लाडली बहन, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना हो या फिर किसानों के लिए मुफ्त बिजली देने का एक वायदा। हालांकि अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में सरकार ने जो काम की है उसका भी बखान सरकार ने अपने इस सत्र में कई बार जो है सदन में किया है, और साथ ही साथ इन्हीं सभी योजनाओं के साथ सरकार जो है आने वाले विधानसभा सत्र के लिए आगे चुनावी रण में उतरेगी। ऐसे में विपक्ष की तौर से भी ये कहा गया है कि जो चुनावी वादे सरकार ने किए थे, हालांकि इन वादों को विपक्ष ने चुनावी वादे कहा है क्योंकि चुनाव इस वक्त अगर देखा जाए महज कुछ ही महीनों पर है, और इसलिए विपक्ष कहता है सिर्फ चुनावी वायदे हैं, असलियत में क्या ये वायदे सच में लोगों के फायदे के होंगे या नहीं ये देखना होगा। शीर्षिलार, डीडी न्यूज, मुंबई। और महाराष्ट्र विधान परिषद में एनडीए की बड़ी जीत हुई है। एनसीपी के दोनों उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। अजीत पवार गुट के दोनों प्रत्याशियों को जीत मिली है। महाराष्ट्र विधान परिषद में एनडीए के सभी उम्मीदवार जीत गए हैं। भाजपा के 5 उम्मीदवार जीत गए हैं। एकनाथ शिंदे गुट के भी दोनों उम्मीदवार जीते हैं। तो बड़ी जीत एनडीए की। हमारे संवाददाता शशि शैलार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, सभी की निगाहें चुनाव पर लगी हुई थी, इस जीत के क्या मायने हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत इसको कह सकते हैं, महायुति की, मतलब एनडीए की महाराष्ट्र में होने जा रही है। फर्स्ट प्रेफरेंस के नतीजे हैं ये, सेकंड प्रेफरेंस का काउंटिंग इस वक्त चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो नतीजे सामने आए उसके अनुसार ये दिख रहा है कि अजीत पवार पार्टी के जो 2 उम्मीदवार इस पूरे चुनावी रण में थे वो जीत चुके हैं। वही अगर बात करें एकनाथ शिंदे की पार्टी से 2 उम्मीदवार थे, वो भी जो है कृपाल तुमाने और भावना गवली, वो भी जो है ये चुनाव जीत चुकी है। जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का सबसे बड़ा नाम पंकजा मुंडे, वो भी जो है ये चुनाव जीत चुकी है। दूसरे हम बात करेंगे तो परिणय फुके, अमित गोरखे और योगेश टिलेकर, ये जो 3 बीजेपी के जो उम्मीदवार थे ये भी जो है चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि एक सदाभाऊ खुद जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है उनकी इस वक्त जो है काउंटिंग चल रही है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में जो ये नाम आगे आ रहे हैं वो नाम ये है। बात करें अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी अजीत पवार के, जैसे मैंने कहा कि 2 अजीत पवार पार्टी के उम्मीदवार जीत चुके हैं जिसमें शिवाजी राव गर्जे का नाम है और राजेश विटेकर का नाम है, ये दोनों भी जो है इस वक्त जीत चुके हैं। वही हम बात करें उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से, मिलिंद नार्वेकर जो है वो इस वक्त आगे चल रहा है, हालांकि इस वक्त सेकेंड, जैसे मैंने कहा कि सेकेंड प्रेफरेंस की वोट चल रहे हैं। कांग्रेस का एक ही उम्मीदवार इस पूरे चुनावी रण में थे, प्रज्ञा सातव, वो जो है चुनाव जीत चुकी है। तो ऐसे में अब अगर पूरा 11 जो सीटों के लिए चुनाव हुआ था, इन 11 सीटों का अगर गणित देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी के 2 उम्मीदवार जीते हैं यहाँ पर, और बात करें अगर महायुति की मतलब एनडीए की तो एनडीए के 9 उम्मीदवार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सेकंड प्रेफरेंस इस वक्त चल रहा है, बस एक औपचारिकता होगी कि सेकंड प्रेफरेंस के चुनाव जब आएंगे तो और नतीजे स्पष्ट होंगे कि किसको कितने वोट मिले हैं। लेकिन एक बात तो इसमें स्पष्ट है कि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी, क्रॉस वोटिंग इस चुनाव में हुई है और इसका सीधा फायदा अगर देखा जाए तो एनडीए को होता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अजीत पवार ने अपने बयान में भी कहा कि उनके पास वोट कम थे, हालांकि उनके 2 उम्मीदवार थे लेकिन 2 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त वोट उनके पास नहीं थे, तो ऐसे में उनको ज्यादा वोट मिले हैं। जाहिर सी बात है ज्यादा वोट कहां से मिले हैं ये देखना होगा, लेकिन जिस प्रकार से अब उनका नंबर की तैयारी अगर देखें तो वो उनसे जो उनके विधायक है उनसे ज्यादा है, मतलब क्रॉस वोटिंग यहां पर पूरी तरह से अगर कहे तो एनडीए के पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, एनडीए को बड़ी जीत जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप शिशिर नजर बनाए रखें, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे दिल्ली में भाजपा के प्रदर्शन की। दिल्ली में बिजली के बिलों पर पीपीएसी चार्ज बढ़ाने के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया है। इसी बारे में और भी आपको जानकारी देंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लड़की वाली, बोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते जा। नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजरगार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू।
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन की। दिल्ली में बिजली के बिलों पर पीपीएसी चार्ज बढ़ाने के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ता आज राजधानी की सड़कों पर उतरे और बिजली के बढ़े दामों को कम करने की मांग की। दिल्ली भाजपा के आईटीओ के नजदीक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने प्रदर्शन किया और केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की। देखिए गिरीश निशाना की यह खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली भाजपा ने प्रदर्शन किया। जगह जगह दिल्ली के अंदर इस तरह के होर्डिंग देखने को मिले जिसमें लिखा हुआ था अब जेल से भी लूटेंगे केजरीवाल। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिया महंगी बिजली का करंट, PPAC चार्ज बढ़ाकर कर महंगी की बिजली। तो कहीं ना कहीं PPCA की दरों में बढ़ोतरी होने के साथ ही दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जो बिल हैं उस पर सीधा असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा बिल चुकाना पड़ेगा। इसको लेकर दिल्ली भाजपा सड़कों पर उतरी। जब वो प्रदर्शन कर रही थी दिल्ली भाजपा तो उनके प्रदेश अध्यक्ष यानी कि दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। आप लोग दिल्ली की सड़कों पे भी उतरे, आखिर क्यों उतरना पड़ा दिल्ली भाजपा को सड़कों पर? आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही है। PPAC चार्जेस के नाम पर दिल्ली की जनता को ठगे जा रहा है बिजली के बिलों में। 37.75% PPAC चार्जेस लगाए जा रहे हैं, 7% पेंशन ट्रस्ट के नाम से लिया जा रहा है। आप समझिए अगर 45% से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है और वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आम आदमी पार्टी और बिजली कंपनियों की जेब में। तो दिल्ली की जनता उस टैक्स को क्यों भुगते, उन चार्जेस को क्यों भुगते? जितना कंज्यूम नहीं करते उससे ज़्यादा तो पैसा चार्जेस के देने पड़ रहे हैं। तो ये सीधा सीधा एक बड़ा खेल है बिजली के नाम पर दिल्ली को लूटने का जो अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। ये दिल्ली की बिजली कंपनियों की मिली भगत है, वो दिल्ली की कंपनियां दिल्ली के लोगों को तंग कर रही है। केजरीवाल साहब और आतिशी मैडम उसमें मिली हुई है, इनकी साठगांठ है, करोड़ों का लेन देन है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक जन जागरण अभियान करके एक एक व्यक्ति के घर जाकर उसका बिल देखेगी, उनको बताएगी, समझाएगी आपका जो बिल आ रहा है कोई बिजली माफ नहीं है, आपके ऊपर जो PPAC चार्ज लगाया गया है ये आप पे थोपा गया है। ये मिली भगत बिजली कंपनी और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सवालों के घेरे में है क्योंकि जो पार्टी फ्री बिजली फ्री पानी का वादा करके सत्ता में आई थी आज वही पार्टी की वजह से दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को ज़्यादा बिल भुगतान करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज दिल्ली। और अब बताएंगे देश भर में बाढ़ की आफत से क्या कुछ हो रहा है नुकसान। मॉनसून के अति सक्रिय होने की वजह से देश के कई हिस्से बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं। वहीं कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मूसलाधार बारिश होने के चलते देश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बारिश से कहीं बाढ़ की आफत तो कहीं भूस्खलन हो रहा है। मानसूनी बारिश के बीच आकाशीय बिजली भी जमकर कहर बरपा रही है। कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज से अगले 2-3 दिनों तक जोरदार बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर जोरदार बारिश हुई। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और ओडिशा में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि देश भर के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 2-3 दिनों में जोरदार बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर, बिहार, दक्षिण गुजरात, कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तराखंड और नेपाल में हुई भारी बारिश का असर साफ देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के करीब 15 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत और बचाव की टीमें लगातार राहत पहुंचाने और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। आइए देखते हैं यूपी में बाढ़ के हालात पर हमारे संवाददाता विकास सिंह की यह खास रिपोर्ट। नेपाल और उत्तराखंड में हुई बारिश के चलते उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं।
15 जनपद प्रभावित हैं इससे। कल अचानक शाहजहांपुर में पानी भर गया, खास तौर से गर्रा और खनौत नदी में पानी आ जाने के कारण यहां पर जनजीवन प्रभावित हो गया। लगातार प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव के काम जारी हैं। उत्तराखंड और नेपाल में हुई बारिश और नेपाल के बैराजों से छोड़े गए पानी के कारण उत्तर प्रदेश के कई जनपद प्रभावित हुए हैं। प्रदेश के 15 जनपदों में इस समय बाढ़ का प्रकोप है। कल से शाहजहांपुर के शहरी इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू किया। शाहजहांपुर में अचानक गर्रा और खनौत नदी में पानी बढ़ जाने से शहरी इलाकों में भी पानी भर गया। यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। शाहजहांपुर जिला ऐसा है आज की तिथि में जहां पर कुछ लोगों को उनके घरों से निकल करके अन्यत्र स्थान में रहना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने बाढ़ शरणालय बनाए हुए हैं, उन बाढ़ शरणालयों में उनको सुरक्षित लेकर के पहुंचाया गया है और जहां तक लोगों के बचाव। इसके साथ ही हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।